सिर्फ सच। नमस्कार, द त्रिकाल में आपका स्वागत है। आज हम चुनाव पर एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जबलपुर आए थे और उन्होंने जबलपुर में डैमेज कंट्रोल के लिए कार्यकर्ताओं को बैठा लिया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अमित शाह का हाल ही में जबलपुर दौरा हुआ था और इस दौरे की खास अहमियत इसलिए भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुछ दिन पहले ही भारी हंगामा हुआ था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने उनके गार्ड के साथ मारापीटी की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद अमित शाह जी जबलपुर आए थे। यहाँ टिकट वितरण को लेकर जिस तरीके से असंतोष देखने को मिल रहा है, उस असंतोष को भरपाई करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, उन्हें समझाइश देने के लिए उन्होंने एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में उन असंतुष्टों को भी बुलाया गया था जो टिकट वितरण से नाराज थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहली बार अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया और उन लोगों से अलग अलग बातचीत करने वाले थे। उससे एक नाराजगी का और एक नया रूप सामने आया। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो आग बुझाने आए थे लेकिन और अंगारे सुलगते चले गए। अब उनके जाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी जबलपुर के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने इस्तीफा दे दिया है और एक और उम्मीदवार है जो दावेदार थे उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर से, उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन भर दिया। वो हाल ही में नगर निगम जबलपुर में नेता प्रतिपक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं। उन्होंने दो फॉर्म भरे, एक भारतीय जनता पार्टी के रूप से भरा और दूसरा निर्दलीय रूप में भरा। तो ये माना जा रहा है कि अमित शाह जी के दौरे के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी में असंतोष शांत नहीं हुआ और चिंगारी भड़क गई है। जिस तरीके से चिंगारी भड़की है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामान्य है, बहुत कुछ सामान्य नहीं है। देखिए, इस बात को लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से प्रभात साहू ने इस्तीफा दिया है, वह इस्तीफा अगले और पिछड़े की लड़ाई का है। वो उनके लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवारों की अनदेखी की है। जबलपुर जिले में आठ उम्मीदवारों में से एकमात्र ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिए, वह भी ग्रामीण क्षेत्र से। शहरी क्षेत्र में ओबीसी मतदाताओं की घोर उपेक्षा की गई। इसी तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवारों की, महिला दावेदारों की भारी उपेक्षा की है। पिछले 5 चुनाव से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर जिले से 2 महिला उम्मीदवार दिए थे और 2 विधायक यहां से थे, लेकिन इस बार एक भी महिला उम्मीदवार 8 में से जिले में नहीं है। इस बात को लेकर भारी असंतोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और यह भी कहा जा रहा है कि यह असंतोष भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कराया और जबलपुर में इसके जस्ट उलट हो रहा है, उसको लेकर भी संगठन में सुगबुगाहट है। और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू का इस्तीफा भी इसी इस्तीफे को लेकर माना जा रहा है। यदि यह आग गंभीर है तो भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, महाकौशल का एक महत्वपूर्ण संभाग है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने 5 सांसदों को यहाँ से उतारा है। 5 सांसदों में नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, उदय राव प्रताप सिंह घाटावार से चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद राकेश सिंह जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव लड़ रहे हैं और भूतपूर्व सांसद अभी हाल ही में निवर्तमान हुई संपत्ति हुई के मंडला से चुनाव लड़ रही हैं। तो इस रीजन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा केंद्र बनाकर चुनाव लड़ने की ठानी है, क्योंकि पिछले चुनावों से लंबा घाटा हुआ था और 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 13 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 13 सीटें मिली, वो चाहती रही कि जिसका उलट प्रदर्शन लगातार होता आया कि 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती थी और 12 सीटें कांग्रेस को। तो इस तरीके से जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, उसे डैमेज कंट्रोल के लिए उसने बड़े नेताओं को लड़ा, लेकिन इसका जो उलट भारी असंतोष देखने को मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभाओं में कड़ी चुनौती मिल सकती है। और देखिए, इसमें एक बात और स्पष्ट करने की बात है, कांग्रेस ने 8 में से 3 ओबीसी कैंडिडेट दिए हैं, बरगी से संजय यादव, केंट विधानसभा से चिंटू चौक से और पनागर विधानसभा से राजेश पटेल को। तो इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ओबीसी की उपेक्षा की है, वो उसके लिए घातक हो सकता है।